तो सुबह सुबह मैं हो गई हूँ रेडी व्हाइट साड़ी पहन के, क्योंकि ऊपर पूजा हो रहा है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं बाहर का नज़ारा भी कैसा है। मेरे पापा जी काम कर रहे हैं। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है। ये सारे फ्लावर्स के जो डिज़ाइन किया गया है, ये सारे मेरे भाई और उसके फ्रेंड्स लोगों ने मिलके किया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ऊपर पूजा हो रहा है, चलिए चलते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन सारा कंप्लीट हो चुका है, अभी चलते हैं सेकंड फ्लोर, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे ही पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे धुआं से सबका हालत ख़राब है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाऊँगी, अभी एकदम धुआं धुआं है। तो ऊपर चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, अभी देखते हैं डेकोरेशन कितना कंप्लीट हुआ है। फाइनली सब कुछ रेडी हो गया। अब सबको बैंड पार्टी का भी साउंड सुनाई दे रहा होगा, मतलब शादी घर पास में ही है, वहाँ शादी चल रहा है, तो वहाँ का ही म्यूज़िक हमको सुनाई भी दे रहा है। तो इवनिंग को पार्टी स्टार्ट होने वाला है और इधर होगा कुकिंग, और अभी नीचे चलते हैं। अभी मैं आ गई हूँ एकदम नीचे, जहाँ मंगल कलश स्थापित हो चुका है, और अभी मैं आप सबको तुलसी मंदिर दिखाती हूँ। कितना क्यूट है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी चलते हैं जहाँ कुकिंग हो रहा है, सुबह का खाना और दोपहर का खाना इधर ही नीचे हो रहा है। तो ये बन रहा है फिश, मुझे नहीं पता क्या नाम है। और एक तरह का फिश है, मुझे नहीं पता क्या नाम है। बंगाली घर है और फंक्शंस है, वहाँ पे फिश नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। की करो सब्जी का तो। और यहाँ पे बन रहा है प्योर वेज आइटम्स, एकदम प्योर। और अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर पूजा हो रहा है तो उधर ही अच्छा लगेगा। और यहाँ सेकंड फ्लोर पे मेरा भाई थोड़ा सा फ्लावर का डेकोरेशन कर रहा है, जो थोड़ा सा बच गया था। ओम अग्नये सृष्टि कृते स्वाहा, इदम् अग्नये सृष्टि। ओम नम मंगं हिंस श्री चंद्र ग्रहाय, सारिपुत्रि देवता सुहृदाय, पिंगला नमात्मये स्वाहा। और इसके बाद हम आए ऑर्फनेज, जो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम जल्दी पहुंच गए। और यहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। और ये रही मैं, ओहो आज तो मैं वीडियो में आई ही नहीं। हाँ, यही एक झलक है मेरा वीडियो का, इधर उधर भाग दौड़ी चल ही रहा था, लेकिन उसी के बीच मैंने एक दो रील्स बना लिया है, फ़ोटोज़ एक दो उठा लिया है, तो वो सारा भी मैं शेयर करूँगी रील्स पे, शॉर्ट रील्स पे आपको मिल जाएगा। और आप सबको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और यहाँ एक रूल है कि हम बच्चों के साथ फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, इसलिए हमने फ़ोटोज़ नहीं लिया बच्चों के साथ, और उनका फेस भी हाइड कर दिया है। और फिर घर जाके देखा, टोटली चेंज।
मतलब एक तरफ कीर्तन चल रहा है, एक तरफ डेकोरेशन चेंज हो गया, मतलब क्या क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, खाने के यहाँ भी चेंजेस हो गया, तो थोड़ा सा इधर भी देखते हैं। एकदम प्रोफेशनल हैंड, फटाफट से बलून सारे लगा दिए गए। ये डाइनिंग एरिया तो मस्त हो गया, बोले तो एकदम झकास। एक्चुअली आज 900 to 1000 गेस्ट आने वाले हैं, उसके लिए सब कुछ रेडी हो गया है। अभी चलते हैं कुकिंग एरिया में। तो यहाँ पे फिश फ्राई हो गया है, ये फिश करी होगा आई गेस, और ये दाल है, और इधर ये मटन, हाँ ये रेडी है बनने के लिए, और ये चिकन बन चुका है, और ये मटन हो रहा है। वाओ, अभी बस 7 बजने का देर है। चलिए तो फिर अभी नीचे चलते हैं, सब कुछ जब गेटअप चेंज हो ही चुका है तो फिर मैं भी अपना गेटअप चेंज कर लेती हूँ, पार्टी स्टार्ट होने ही वाला है। बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप सबको ये रात का व्यू कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बोले तो एकदम छकास। और ये रही मैं पार्टी के लिए रेडी हो गई हूँ। हाँ बहुत ठंड है, मुझे भी ठंड लगा है, लेकिन यहाँ मेरा एक स्लोगन है, जान जाए पर स्टाइल ना जाए। इसी स्लोगन को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं जा रही हूँ पार्टी में, और आप सबको दिखाती हूँ मैं अभी कैसा माहौल चल रहा है। और यहाँ मैं बढ़िया सा एक कोना देके चेयर लेके बैठ गई, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है, सीढ़ियों से ऊपर ही नहीं आ पा रहे। तो देखा आप सब ने कैसा भीड़ है, सीढ़ियों से ऊपर आना जाना करना मुश्किल हो गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा भीड़ था जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, मतलब जगह से हिल नहीं पा रहे थे, इतना भीड़ था। और डाइनिंग एरिया में तो एंट्री ही नहीं ले सकते, जब आई थी तो तब ऐसा था, खाली खाली सा, और अभी आप खुद देख लो। और सभी गेस्ट कम्प्लीमेंट देते हुए बोल रहे थे कि ये बिल्डिंग एक छोटा मोटा सा मॉल बन गया है, जहाँ पे 50% पे सेल लगा है और सब लोग आए हैं। सच में सुन के बहुत अच्छा लगा, और सब लोग आए, इतना अच्छा से प्रोग्राम हो गया, और हमने खाना भी खा लिया। और वेज खाने के लिए अलग एक रूम में सारा बंदोबस्त किया गया था, तो वहीं पे कीर्तन के पार्टी और जो जो वेजिटेरियंस हैं उन सब ने खाना खाया है। मामू और मामी को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी चल रहा था मामू और मामी का, तो उन दोनों को पकड़ ही नहीं पाई मैं एक साथ। तो लास्ट में हम लोग पकड़े एक साथ जब फोटोशूट का टाइम आया, और उस टाइम के कुछ पिक्चर्स आप सबके साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ बच्चे लोग फूलों के साथ बलून्स को तोड़ मरोड़ के जो खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, उसका तो क्या ही बोलूँ। और मैं लास्ट में तो मेरे ऊपर भी फूलों की बारिश हो गई, बस थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि भाई लोगों का सबका मेहनत था। तो अभी आप सबको दिखाती हूँ बाकी सारे रील्स एंड फोटोज, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूले, और हाँ मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर आज का ये ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। Yeah.